अंगुलियों की लंबाई बयां करती है आपकी जिंदगी से जुड़े कई राज। हाथ के अंगूठे से लेकर कनिष्ठिका तक की हर अंगुली कुछ ना कुछ कहती है। ये अंगुलियां आपके व्यक्तित्व और भविष्य के हर पहलू के बारे में संकेत करती है। आज हम आपको बताएंगे अंगुलियों को देखकर कैसे जाने सेक्स क्षमता व प्यार के बारे में। अंगूठा हथेली में अंगूठे को सबसे अधिक प्रभावशाली माना जाता है, क्योंकि वह सभी अंगुलियों को नियंत्रित करता है। बड़ा अंगूठा सेक्सुअल एक्टिव होने व रौबदार व्यक्तित्व का संकेतक है, वहीं छोटे अंगूठे वाले व्यक्ति शांत व सज्जन स्वभाव के होते हैं। आमतौर पर अपनी सेक्स संबंधी जरूरतें बताने और जताने में संकोच करते हैं। कनिष्ठिका अंगुली हाथ की सबसे छोटी अंगुली कनिष्ठिका होती है। कनिष्ठिका का निचला हिस्सा सेक्सुअलिटी का खुलासा करता है। अगर कनिष्ठिका का यह हिस्सा बड़ा और गद्देदार हो तो समझना चाहिए कि वह व्यक्ति मल्टीपल ऑर्गेज्म प्राप्त कर सकता है। जिन लोगों की कनिष्ठिका लंबी होती है वे बातचीत में अच्छे होते हैं। वे लोग जितने अच्छे सेक्स के मामले में होते हैं उतने ही अच्छे रिश्तों को निभाने में होते हैं। ऐसे लोग काफी भावुक और संवेदनशील होते हैं। शुक्रवार क्षेत्र अंगूठे के निचले भाग को शुक्रवार का स्थान कहा जाता है। अगर यह क्षेत्र चौड़ा मुलायम मौसल और उठा हुआ हो तो व्यक्ति जिंदा दिल और बिस्तर पर एक अच्छा पार्टनर साबित होता है। यह पर्वत जितना मजबूत होगा उतना ही बेहतर होता है। यदि यह पर्वत जरूरत से ज्यादा उभरा हुआ है तो व्यक्ति बेहद कामुक होता है और उसका सेक्स के प्रति बेहद झुकाव बना रहता है। हार्ट लाइन यदि हृदय रेखा अनामिका रिंग फिंगर तक पहुंच रही है तो ऐसे लोग प्यार के मामले में भरोसेमंद साबित होते हैं। जब हार्ट रेखा तर्जनी अंगुली इंडेक्स फिंगर तक पहुँच जाए तो ऐसे व्यक्तियों के लिए जीवन साथी व परिवार काफी अहमियत रखता है। अंत में विभाजित होने वाली हार्ट रेखा संकेत देती है कि व्यक्ति हर रिश्ते को बड़ी गंभीरता से लेता है। हार्ट लाइन एकदम सीधी होने पर व्यक्ति जिद्दी और कठोर हृदय वाला होता है। ऐसे व्यक्तियों में भावुकता की कमी होती है।